इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरे को एक्स मानेंगे और इसको भी एक्स ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, रूट अंडर थ्री प्लस एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, थ्री प्लस एक्स। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको उठा के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे में वन है तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, वन। एक्स के पीछे में माइनस वन है तो बी बराबर हो जाएगा माइनस वन, और सी इजकल टू कितना है, माइनस थ्री, तो सी इजकल टू माइनस थ्री। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक हम फार्मूला उपयोग करते हैं। ये फार्मूला है एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पर बी इजकल टू कितना है, माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी की जगह पर वन है तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस फोर ए कितना है वन, सी कितना है माइनस थ्री, नीचे में हो जाएगा टू ए। इसका वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस माइनस प्लस चार तिया बारह बराबर टू, और ए इजकल टू वन है तो टू ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, वन प्लस माइनस रूट अंडर तेरह अपॉन दो, ठीक। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, या तो आएगा वन प्लस रूट तेरह अपॉन दो, या आएगा वन माइनस रूट तेरह अपॉन दो। देखिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि रूट थर्टीन का वैल्यू लगभग थ्री पॉइंट कुछ होगा और इसमें एक जोड़ेंगे तो फोर पॉइंट कुछ इसका वैल्यू आएगा, जो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा वन माइनस, यहाँ पर रूट थर्टीन का वैल्यू होता है थ्री पॉइंट कुछ होगा, ठीक है ना। ये दोनों को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा निगेटिव, ठीक है। स्क्वायर के रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसका क्या सोल्यूशन होगा, वन प्लस रूट तेरह अपॉन टू इसका सोल्यूशन होगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो गुना हो भागा हो कुछ हो, ठीक है ना, हम लोग पूरे क्वेश्चंस को एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन रहे पूरे को हम एक्स मानेंगे, है ना। और इसके बाद जो रिपीट होता हो इन्फिनिटी तक, इसको हम भी, इसको भी हम लोग एक्स ही मानेंगे, क्योंकि समुद्र में से एक लोटा पानी अगर निकाल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए ये इन्फिनिटी है, अगर इसको हम अगर एक्स मान ले, है ना, तो अंदर वाला भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें से एक अगर हट भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग पूरे को एक्स मानेंगे और इसके अंदर वाले को भी हम लोग एक्स मानेंगे,